हेलो क्रिकेट लवर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे कि केएल राहुल की ख़राब परफॉर्मेंस को लेकर भारतीय दिग्गजों ने और जो भारतीय टीम है क्रिकेट की उसके जो बैटिंग कोच हैं विक्रम राठौर, उन्होंने क्या कहा। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं आकाश चोपड़ा की। तो भाई आकाश चोपड़ा ने कहा कि हाँ भाई, जब तक केएल राहुल फॉर्म में थे किसी को कोई डाउट नहीं था। कोई बंदा 100 मैचों में एक भी पारी जीरो पर आउट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। हर पर्सन का अप्स एंड डाउन आता है, चाहे वो कितना बड़ा खिलाड़ी हो या फिर आने वाले टाइम पे खिलाड़ी आएंगे उनके भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। परंतु जो केएल राहुल है वो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है और काफ़ी जिसे बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट प्लेयर है इंडियन टीम के लिए, जो कि कंसिस्टेंटली बहुत ही बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करता आ रहा था। तो भाई लगातार उसके 3-4 मैच खराब गए, उसको बाहर नहीं बिठा सकते आप। सेम कमेंट सुनील गावस्कर सर ने कहा है कि हर व्यक्ति का अप्स एंड डाउन का टाइम आता है, तो उसको संभलने का मौका दीजिए आप। और जो केएल राहुल है बहुत ही हरफन मोला खिलाड़ी है भाई, उनको आप बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते और आपकी टीम का एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है वो। उसके बाद जब बयान आता है किसका, विक्रम राठौर का, तो उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंटली इसको डिस्क्राइब किया कि उन्होंने कहा कि केएल राहुल को अपना जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा और उसके ऊपर हम डेफिनेटली वर्क करेंगे। परंतु केएल राहुल को सबसे पहले पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और पॉजिटिव माइंडसेट से ही वो ग्राउंड में उतर सकते हैं। तो भाई केएल राहुल के अंदर पता नहीं क्या नेगेटिविटी अभी है फिलहाल में, परंतु बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो। और जिसे उनकी जो अप्रोच है, जो उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो इंडिया में सारे प्लेयरों से ऊपर है। वो स्टार्टिंग से ही लय बनाते चलते हैं और इंडिया को बेहतरीन स्टार्ट दे सकते हैं। परंतु कुछ ने कहा है कि उनको नीचे भी ला के देख सकते, जैसे वनडे में वो टू डाउन भी अपने आप को बहुत ही बेटर प्रूफ करके दिखाते, ऐसे ही T20 में अगर उसको वन डाउन या टू डाउन लाया जाए तो वो भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो इसमें आप बताइए कि जो केएल राहुल हैं कैसे खिलाड़ी हैं, क्या उनको और मौके दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। एक मैच में किसी को बाहर करना तो भाई उसे टोटल पूरा बाहर करना नहीं होता, तो एक मैच में तो बाहर बिठा सकते हैं। परंतु जो कोहली ने बता दिया कि उन्होंने जो एक इशारा कर दिया है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा ही ओपनिंग करेंगे, यानी कि उन दोनों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी या फिर उसके नीचे जो होंगे वन डाउन टू डाउन होंगे तो उनके ऊपर थोड़ा सा विचार किया जा सकता है। और इंडियन बॉलर्स में नवदीप सैनी को भी मौका मिल सकता है भाई आने वाले मैचों में। परंतु जो भारतीय दिग्गज हैं उन्होंने बता दिया कि हाँ भाई हर प्लेयर्स का अप्स एंड डाउन्स आता है, तो भाई इसको लेकर ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। परंतु जो केएल राहुल है वो ज़रूर फाइट बैक करेंगे और बहुत ही हरफन मोला खिलाड़ी है। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और केएल राहुल के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे खिलाड़ी है वो, क्या उनको और मौके दिए जाने चाहिए या फिर वो किसी के बाहर जाने का सबसे बड़ा रीज़न है, तो भाई आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी केएल राहुल के बारे में क्या राय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग कंटेंट के साथ।